नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स के। जो हमारा सीरीज चल रहा था उसको आगे बढ़ाएंगे और इसमें हम लोग मंथली करंट अफेयर्स को अब डिस्कस करेंगे और जनवरी से लेके जो दिसंबर तक का जो करंट अफेयर्स बनेगा उसको डिस्कस करेंगे। और फिलहाल हम लोग अगस्त माह का जो करंट अफेयर्स है उसको डिस्कस कर रहे हैं और इस तरह से पीछे जाएंगे और फिर जो आगे का 2 महीना बचेगा उसको कवर कर लेंगे। तो देखिए, इसको फिर से मैंने उसी तरह लिया है, कुछ मैप्स में शामिल किया है जो शामिल हो सके और कुछ को यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर लगभग जो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगस्त के करंट अफेयर्स उनको हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, फालतू करंट अफेयर्स को मैंने शामिल नहीं किया है, बाकी आप जो जिस भी सोर्स का इस्तेमाल कर रहे होंगे उससे उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट स्कूल में और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो आगे आने वाला वीडियो है वो भी आपको मिलता रहे। इसके अलावा एक यहाँ पर मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ कि टेलीग्राम पर अभी जो है वो चलने वाली है एक सीरीज़। ठीक है, टेलीग्राम पर हम लोग एक सीरीज़ चलाने वाले हैं जिसमें ये चल रही है, चलाने वाले नहीं है। इसमें टॉपिक वाइज आपको MCQ दिए जाते हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज MCQ और आपको क्या करना है उसको पढ़ के आना है और रात में क्वेश्चन डाल दिया जाता है, इसको आप यहाँ पर आके सॉल्व कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका रिवीजन होता चलेगा, साथ में आपका टॉपिक जो है वो कंप्लीट भी होता चलेगा और आप MCQs भी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो ये मैंने स्टार्ट किया है, अगर आप चाहें तो उससे जुड़ सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रांची में। तो रांची में एक ही करंट अफेयर्स है और ये है कि IMD जो है, यानी जो भारतीय मौसम संस्थान है, विभाग है, इसने कहा है कि रांची का जो पिछले 50 सालों में जो तापमान है वो लगभग 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है। तो ये आप याद रख सकते हैं, 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है। क्यों बढ़ चुका है? तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण। उसके बाद हम लोग जो करंट अफेयर्स बात करेंगे, इसमें ज़्यादातर करंट अफेयर्स जमशेदपुर के हैं। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि सबसे ज़्यादा जो करंट अफेयर्स बन रहे हैं वो ईस्ट सिंहभूम से ही ज़्यादा बनते हैं। यानी मान लीजिए कि आपको, आप एग्ज़ाम हॉल में गए हैं और किसी व्यक्ति का नाम आपसे पूछा गया है और आपको नहीं पता, तो ज़्यादा चांसेज है कि जमशेदपुर सही आंसर उसका हो सकता है। ये मैंने पहले भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ, तो आप चाहें इसको कर सकते हैं उस तरह से, मतलब गेस करके आंसर लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं अलीजान हुसैन की। तो देखिए, अलीजान हुसैन जो है ये NIT जमशेदपुर के मतलब छात्र हैं, वहाँ पर पढ़ने वाले हैं और हाल ही में इन्होंने क्या बनाया है, लेज़र मार्कर बनाया है। और ये लेज़र मार्कर का क्या हुआ है, तो UK में इसको पेटेंट प्रदान की गई है, इसी वजह से ये चर्चा में है। तो याद रखिएगा, अलीजान हुसैन NIT जमशेदपुर, लेज़र मार्कर, और UK में इसको पेटेंट किया गया है। अगला है नीना गुप्ता नाम है, काफ़ी फेमस नाम है और इनको मिला है भारतीय नारी रत्न पुरस्कार। ठीक है, भारतीय नारी रत्न पुरस्कार इनको दिया गया है। और ये हैं कौन, तो ये आयुर्वेद की चिकित्सक हैं। ठीक है, डॉक्टर हैं और इनको दिया किसने है, तो ग्लोबल स्कॉलर फाउंडेशन जो है इन्होंने, यही है जो इनको पुरस्कार देता है और ये दिया है भारतीय नारी रत्न पुरस्कार। आगे हम लोग बात करें तो एक खास महल सदर अस्पताल है जमशेदपुर में, इसको नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट मिल गया। ठीक है, इस वजह से चर्चा में है। तो खास महल सदर अस्पताल कहाँ पर है, पूर्वी सिंहभूम में है और इसको नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट मिल गया। उसी प्रकार से पूर्वी सिंहभूम से एक अभियान शुरू किया गया है जिसका नाम है मेरी माटी मेरा देश। ठीक है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का अभियान है, झारखंड में भी शुरू हुआ। कहाँ से? पूर्वी सिंहभूम से शुरू हुआ। उसी प्रकार से पूर्वी सिंहभूम के ही एक व्यक्ति हैं आयुष झा, तो ये जो है चंद्रयान 3 में मिशन इस चंद्रयान 3 मिशन में एक प्रमुख कार्य इनको सौंपा गया था, तो चंद्रयान 3 से जुड़े हुए हैं और ये जमशेदपुर के रहने वाले हैं। उसी प्रकार से देखेंगे कि जमशेदपुर में जो टाटा स्टील है, इसने क्या किया है कि अपनी 7 जो सब्सिडरी कंपनियां थी उनको मिला लिया है टाटा स्टील के अंदर, इस वजह से ये चर्चा में आई है, तो इसको याद रखिएगा। जमशेदपुर के ही रहने वाले हैं सौर्य सैंडलिया और ये स्केटिंग से जुड़े हुए हैं, ये जो गेम है स्केटिंग आप जानते होंगे, इनसे जुड़े हुए हैं और इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। क्या किया है? तो 100 मीटर जो स्केटिंग है वो मात्र 11.21 सेकंड में इन्होंने इसको पूरा करके एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो याद रखिएगा, सौर्य सैंडलिया और ये भी जमशेदपुर से बिलोंग करते हैं। एक और व्यक्ति हैं राणा प्रताप, ठीक है, तो ये भी जमशेदपुर से हैं और ये क्या है, तैराक हैं, स्विमर हैं और इन्होंने हाल ही में 39th सब जूनियर और 49th जूनियर नेशनल जो चैम्पियनशिप है इसमें 1 गोल्ड और 2 सिल्वर जीतकर झारखंड का नाम रोशन किया है। तो इनका नाम याद रखिएगा, राणा प्रताप, तैराकी से जुड़े हुए। अब हम लोग कुछ वन लाइनर्स की बात करें, तो देखिए जैक का सचिव किसको बना दिया गया है, तो हाल ही में सचिदानंद दिवेंदु तिग्गा इनको बनाया गया है जैक का नया सचिव, तो इसको याद रखिएगा।
अगला है राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जो है, इसके लिए झारखंड में 3 लोगों का चयन किया गया था, 3 शिक्षकों का चयन किया गया था, जिसमें अंजू कुमारी, मनोज कुमार चौबे और एजाजुल हक थे। लेकिन अंजू कुमारी को यहाँ पर ये सम्मान जो है वो नहीं मिला है, इन दोनों को मिला है, यानी मनोज कुमार चौबे और एजाजुल हक को दिया गया है। तो आप याद रख सकते हैं, मनोज कुमार चौबे चतरा के हैं और एजाजुल हक कहाँ के हैं आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था आपको। और ये अंजू कुमारी जो है ये पूर्वी सिंहभूम से बिलोंग करती है, ईस्ट सिंहभूम से, तो इनको हालांकि पुरस्कार नहीं मिला। तो 3 लोगों का यहाँ पे चयन हुआ है, याद रखिएगा, लेकिन 2 ही लोगों को पुरस्कार फाइनली मिला है। अब देखिए, ISO प्रमाणित किया गया है 26 पंचायतों को जो झारखंड में है, ठीक है, 26 पंचायतों को ISO प्रमाणित कर दिया गया है, तो ये आप याद रख सकते हैं। कोल्हान प्रमंडल है, यहाँ पे जो सड़कों का निर्माण किया जा रहा है वो किया जा रहा है प्लास्टिक और कंक्रीट से, यानी प्लास्टिक कचरा प्लस कंक्रीट को मिलाकर यहाँ पर सड़कें तैयार की जा रही है, इस वजह से कोल्हान प्रमंडल चर्चा में है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि कोल्हान प्रमंडल के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी है कि यहाँ पे इस प्रमंडल में कितने जिले शामिल हैं। अगला है CM पशुधन विकास योजना, इसकी शुरुआत हाल ही में की गई थी। इसका याद रखिएगा कि 11,550 किसानों को यहाँ पर दुधारू पशु उपलब्ध कराए गए हैं, ये फ्री में दिया गया है CM पशुधन विकास योजना के तहत। अगला है, देखिए, जापान में शिक्षा व्यवस्था को देखने के लिए पूरे भारत से 12 शिक्षकों का चयन हुआ है, ठीक है, शिक्षक पूरे भारत से 12 शिक्षकों का चयन हुआ है, जिसमें से 2 झारखंड की हैं, इनमें एक सिप्रा मिश्रा शामिल है, याद रखिएगा, और दूसरा नाम मुझे कहीं मिला नहीं। अगर आपको पता होगा तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये 2 लोगों का चयन हुआ है, जिसमें से एक सिप्रा मिश्रा है और ये भी जमशेदपुर से ही बिलोंग करती हैं, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। अगला है, देखिए, जस्टिस प्रकाश पाडिया, और ये जो जस्टिस प्रकाश पाडिया हैं, ये पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज हुआ करते थे और अब इनका ट्रांसफ़र हो गया है झारखंड हाई कोर्ट के अंदर, तो ये झारखंड हाई कोर्ट के जज बन गए हैं, जस्टिस प्रकाश पाडिया, ठीक है, पहले कहाँ थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट में थे। अगला देखिए, स्पेन में यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था और यहाँ पे आशा किरण बारला जो है इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, और ये हैं कौन, तो एथलीट हैं, ठीक है, एथलीट हैं ये, और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। अगला है, PM जन औषधि केंद्र कहाँ पर खुल रहा है, तो ये सीनी जंक्शन के पास खुल रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि सीनी जंक्शन कहाँ पर स्थित है। सीनी जंक्शन में PM जन औषधि केंद्र खोला जा रहा है। अगला है, देखिए, एक बिल लाया गया था जिसमें बताया गया कि OBC आयोग का अब जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा, वो विधायक होगा, और मैंने पिछले वीडियो में बताया भी है कि OBC आयोग का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है। अगर आपको याद है तो आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगला है वीरता पुरस्कार, तो देख लीजिए, 17 पुलिसकर्मियों को कुल मिला के वीरता पुरस्कार दिया गया है, इसमें से 6 जो थे वो सिपाही शामिल हैं और बाकी अधिकारी हैं, 6 सिपाही हैं बाकी अधिकारी हैं, हालांकि ये नहीं पूछा जाएगा, कुल 17 आपको याद रखना है। 15 अगस्त 2023 को आप देख सकते हैं अबुआ आवास योजना की शुरुआत की गई है, और ये आपको पता होगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, बिल्कुल उसी तरह से इसको स्टार्ट किया गया है, और इसमें 3 BHK का आपको घर दिया जाएगा, जबकि प्रधानमंत्री जो आवास योजना है उसमें 2 ही BHK का घर दिया जाता है। अगला है, देखिए, जोहार खिलाड़ी पोर्टल, ये शुरू किया गया झारखंड सरकार के द्वारा, और ये ऑनलाइन डेटाबेस, यानी जितने भी खिलाड़ी हैं उनके बारे में सारी जानकारी यहाँ पर ऑनलाइन रखी जाएगी जोहार खिलाड़ी पोर्टल में। अगला है, देखिए, DD रिसीवर जो है ये फ्री दिया जा रहा है 176 गाँव में, ठीक है, और ये ऐसे गाँव हैं जो नक्सल प्रभावित हैं, यानी जहाँ पर कम्युनिकेशन जो है वो अच्छी नहीं है, सुविधाएँ अच्छी नहीं है, वहाँ पर दिया जा रहा है। और ये किस लिए दिया जा रहा है, ताकि जो भी झारखंड सरकार योजनाएं चला रही है उनकी जो जानकारी है वो इन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे और लोग जो है वो नक्सलवाद से बाहर निकलें, इस वजह से DD रिसीवर फ्री में दिया जा रहा है, तो याद रखिएगा 176 गांव में दिया जा रहा है। अगला है उद्योग रत्न पुरस्कार, आपने पढ़ा होगा महाराष्ट्र देता था, महाराष्ट्र सरकार देती है, और ये रतन टाटा को हाल ही में दिया गया है। साइबर थाना कितने जिलों में, तो 8 जिलों में साइबर थाना बनाया जा रहा है। अगला है पंचायत विकास इंडिकेटर, तो देखिए 577 कुल मिला के झारखंड में पंचायत विकास इंडिकेटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस इंडिकेटर के जरिए पता लगाया जाएगा कि पंचायतों का विकास किस स्तर पर हो रहा है, कहाँ पर क्या कमियाँ रह गई हैं, इसका पता लगाया जाएगा। अब देखिए टाटा स्टील माइनिंग जो है इसको CII यानी जो प्रतिस्पर्धा आयोग है इसके तरफ से सुरक्षा स्वास्थ्य और पर्यावरण उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया है, तो याद रखिएगा टाटा स्टील माइनिंग को। अगला है महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप, देखिए ये पहली बार भारत में हो रहा है, और ये पहली बार कहाँ हो रहा है, तो रांची में, यानी पहली बार भारत में हो रहा है और वो भी रांची में हो रहा है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है, यानी हो चुका है ये महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप। अगला है रांची जिला क्रिकेट एसोसिएशन का एक ऑफिस का उद्घाटन हाल ही में रांची में किया गया था, और इसका उद्घाटन किसने किया था, तो MS धोनी ने किया था, इस वजह से ये चर्चा में था। हाइड्रोजन ईंधन देखिए यहाँ पर बनाया जाएगा, कहाँ पर, टाटा में बनाया जाएगा।
तो कुछ करंट अफेयर्स ऐसे थे जिसको मैंने पहले भी आपको जो सेक्शनल करंट अफेयर्स थे उसमें डिस्कस किया था, और कुछ ऐसे थे जो नए होंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में कमेंट करके बताइएगा कि जो वीडियो है वो कैसा लग रहा है और आगे किन किन टॉपिक्स पर और बनाए जाने वीडियो चाहिए। जैसे बहुत लोगों ने बजट की बात की थी कि बजट पर वीडियो बनाइए, बजट पर वीडियो मिलेगी लेकिन थोड़ा सा आखिरी आखिरी समय में मिलेगा ताकि आपको चीज़ें याद भी रहे, ठीक है। अभी करवाने से कोई फ़ायदा नहीं, अभी अगर बजट आप करेंगे बाद में भूल जाएंगे। तो इस वजह से हम लोग एग्ज़ाम जब आने वाला होगा उसके 10 या 15 दिन पहले बजट को डिस्कस करेंगे ताकि चीज़ें आपको करंट में एकदम याद रहें और आप जाके सही करके आ जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।